गुजरात के वडोदरा में जो बाढ़ का कहर है, बारिश और बाढ़ का वो लगातार जारी है। हम अभी यहाँ का जो वडसर बहुत ही अप मार्केट इलाका है वहाँ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से लेकर के और दूर तक आपको इसी तरह से सैलाब से नज़र आएगा। ये लोग जिस तरह से पार कर रहे हैं उधर से दिखाइएगा राजेंद्र जी, ये अगर बाहर निकलना हो तो इस तरह से सामान सहित लोग कमर तक पानी में इस इलाके को पार करके जा रहे हैं और दूर तक यही हालात हैं। यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, किनारे पर खड़े हैं और वो पार नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी आ चुका है। और एक के बाद दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं, जो दुकानें हैं, वो सब ऐसे ही हमको पानी में डूबी हुई दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर अभी तक हमको ये जो कोई जिस तरह की इनको मदद मिलनी चाहिए उसके भी यहाँ पर चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। आगे की ओर देखिए, वहाँ भी लोग हमको ऐसे ही निकल करके, पानी के बीच से निकल करके जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि पूरा ये जो इलाका है ये ऐसे ही पानी में डूबा हुआ है। कल से पानी कुछ कम ज़रूर हुआ है लेकिन अभी भी पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है। और चूँकि विश्वामित्री नदी है वहाँ भी पानी का लेवल करीब 35 फीट के आसपास है, इसलिए और वो खतरे के निशान के ऊपर है। छतों पर एक बार दिखाइएगा कैमरा किस तरह से लोग जो फंसे हुए हैं उनकी यहाँ हमको तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और ये एक पूरे बड़े इलाके में यही हालात हैं। ये जो वडोदरा की बारिश है इसने लोगों को न सिर्फ अपने अपने घरों में कैद कर दिया है बल्कि ये पानी का बढ़ता हुआ स्तर उनके भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है। इनको 3 दिन हो गया है इसी तरह से घरों में कैद और इन तक अभी तक कोई भी मदद नहीं पहुंची है। घरों में छोटे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं और किसी भी तरह की कोई मदद ना पहुंचने के चलते ये लोग काफ़ी परेशान हैं। और एक लंबा इलाका हम देख रहे हैं इसी तरह से पूरी पानी की चपेट में। देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं वो दिखाइएगा, किस तरह से लोग घरों में जाने के लिए बीच पानी की धार चीर करके अंदर की ओर आ रहे हैं और इसके अलावा कोई और उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा आगे आइएगा आप, कब से ये स्थिति यहाँ पर है? 3 दिन हो गए। 3 दिन से है तो ये इस बीच में 3 दिनों में यहाँ पर कोई प्रशासन की ओर से कोई मदद, कोई फूड पैकेट्स वगैरह कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया। हमको चाहिए भी नहीं, हमको नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन जो आगे फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद तो होनी चाहिए। इधर तो आगे और भी ज्यादा टीआरपी ना कर सो, आगे आगे आया है और भी ज्यादा पानी है आगे। हाँ बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आगे। तो आगे जो लोग हैं वहाँ पर मतलब वो फंसे हुए और वहाँ तक पहुँचा भी नहीं है अभी तक। हाँ, नहीं। अभी तक पूरा यहाँ तक पानी है, पूरा गले तक, गले तक पानी आगे। तो ये लोग बता रहे हैं कि आगे गले तक पानी है और वहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाया है, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज वडोदरा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम। Thank you.